आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अपने जीवन में दही, नींबू, सुगंध, कोई भी ऐसी इत्र इत्यादि, प्याज का रस और थोड़ी सी कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, इतना मिला करके आपको एक ऐसा प्रयोग करना है जिससे आपके अपने जीवन में अद्भुत प्रेम बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जिससे तुम्हारे ग्राहक बढ़ जाएंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा। ग्राहक मतलब तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, तुम्हारा यशगान करने वाले, तुम्हारे बारे में बेहतर बोलने वाले। तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, लोग आपको मानते नहीं, आपको कुछ समझते नहीं, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि तुम्हारे प्रेम में भी, तुम्हारे लव लाइफ में भी यही स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब मतलब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को समझो तो सही। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां एक नया रंग भर सकती हैं। उसके साथ में आज हम आपको वो वस्तु बता रहे हैं जिसे आप अपने सर पर सिर्फ रख लें। नहाने के पहले 5 मिनट आप अपने सर पर मसाज करें, जिससे आपका पहली बार में डिप्रेशन और टेंशन समाप्त होगी। जरा ध्यान से समझना, ये डिप्रेशन और ये टेंशन नॉर्मल की हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। जिस वजह से तुम डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, वो डिप्रेशन का की वजह समाप्त हो जाएगी। करना सिर्फ इतना है कि उस थोड़ी सी सामग्री, सीधा बताऊं, सीधा मतलब दही, आपके सर पर लगाने मात्र से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। तो जान लीजिए कैसे, दही में कौन सी वस्तुएं डालनी है, दही में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे डालकर, वो सामग्री सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको चाहिए दही, थोड़ा सा नींबू और कोई भी ऐसी सुगंध की चीज, और थोड़ा सा प्याज का रस, और पांचवी चीज क्या चाहिए, पांचवी चीज चाहिए गुलाब की कुछ पंखुड़ियां। ये 5 चीजों का मिश्रण आपके अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आज ये 5 चीजें 5 मिनट, 5 चीजें 5 मिनट और 5 ही बार करने से आपकी अपनी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके जीवन में प्यार भरेगा, आपके जीवन में बेहतरी आएगी और आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसको तुम पाना चाहते हो, जिस भी वजह से हो। कारण कितने भी हैं, अनेकों कारण तो बहुतेरे होते, उनका सबका निवारण करेंगे। जब मैंने ये कार्य प्रारंभ किया, जब इस बारे में हम बात करना शुरू कर रहे थे, उस समय की बात बताता हूँ। उस समय एक बड़ी अद्भुत बात हुई। कुछ हमारे मित्र हैं, मैंने कई एक बार आपको पहले भी कहा है, कुछ हमारे मित्र हैं जो अक्सर मुझे ये कहा करते थे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मतलब जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा नहीं है, इस पर बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग अपवाद करते हैं, बहुत सारे लोग नाम खराब करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते हैं, आप जो पहले कर रहे थे वो बहुत अच्छा है, कहां लव और प्यार के चक्कर में आप पड़ गए। एक रहीमदास जी की बड़ी अच्छी लाइन है, कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराह, रे गंधी मत मंद तू यहां दिखावत का ही। बोले अगर आपका गंधी, कहते हैं सुगंध बेचने वाले को, परफ्यूम बेचने वाले को, पहले सुगंध बहुत महंगा आता था, आज भी बहुत महंगा, गुलाब इत्यादि लाखों रुपए लीटर मिलता है। बोले गांव में किसी को दिखाओ वो क्या करेंगे, वो उसकी अक्सर आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी सिर्फ प्रशंसा करेंगे, खरीद नहीं सकते क्योंकि वो आपके ग्राहक नहीं है। लेकिन आप सत्य मानो, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हमने बहुत बाखूबी आपके सामने परोसा है और आपने उसे सराहा है। वस्तु कौन सी है, क्या है, नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जीवन में सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के अभाव और प्रभाव में दोनों तरफ काम चलता है। प्रेम के अभाव में जीवन बर्बाद है, प्रेम के प्रभाव में जीवन आबाद है। भाई भाई में प्रेम ना हो, माँ बेटे में प्रेम ना हो, भाई और बहन में प्रेम ना हो, पिता और पुत्र में प्रेम ना हो, माता और पुत्री में प्रेम ना हो, किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम की कमी है तो आप समझिएगा फिर सब खत्म है। सारी की सारी चीजें एक तरफ और प्रेम एक तरफ, सारा का सारा अरेंजमेंट एक तरफ, प्रेम एक तरफ। रामायण में
राम को सब संपत्ति देने के लिए सारे भाई लड़ रहे थे, आज लोग संपत्ति लेने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेम था इसलिए देना चाहते थे, आज प्रेम नहीं है इसलिए लेना चाहते हैं। सिर्फ प्रेम के अभाव और प्रभाव में ही पूरा जीवन है। प्रेम है तो सत्संग है, प्रेम है तो पूजा है, साधना है, उमंग है, आनंद है, संपत्ति है, खुशी है, वैभव है और सब कुछ जो भी आप चाहते। अब आपको सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं कि आपको करना क्या है। दही, नींबू, सुगंध, प्याज का रस और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां, इनको डाल के खूब अच्छी तरीके से मैश करिएगा। मैश करने के बाद अपनी पांचों उंगलियों से खूब मैश करिएगा और मैश करते 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 आपको अपनी पूरी की पूरी जो इच्छाएं हैं उसको बार 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 रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद अपने ब्रह्मांड वाला जो एरिया है, यानी सर पर जहां बोझा रखते हैं, अगर कुछ सर पर रख के जाना हो, इस वाले एरिया पे रख करके खूब अच्छे से मसाज कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके जहां तक बाल हैं पूरी की पूरी जड़ों में खूब अच्छी तरीके से उसे मसाज करें, क्योंकि आपके सर के अंदर 9 ग्रहों का कंप्लीट वास है। जो भी ग्रह आपको अच्छी बुरी रेजेस देते हैं वो आपके सर से ही आपके अंदर जाती हैं। वो द्वार अगर विशुद्ध हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, 90% लोगों की आत्मा ऊपर से ही निकलती है, ब्रह्मांड से। जो विशुद्ध आत्माएं होती हैं, जो गड़बड़ आत्माएं होती वो मुंह से निकलती हैं, नाक से निकलती है। ब्रह्मांड से निकली हुई आत्मा सबसे विशुद्ध होती है। ये वो ब्रह्म स्थान है जो आपका हमेशा थोड़ा वार्म रहता है। हाथ रख करके देखिएगा, हमेशा वार्म रहेगा, ऑलवेज वार्म। कभी भी किसी भी समय हाथ लगाकर स्पर्श करके देखिएगा, और जब आप बोलते समय, जैसे मैंने बोलते हुए अपना हाथ रखा है, तो सीधा वाइब्रेशन होता है, हर एक शब्द का सीधा कनेक्शन यहां होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी का कमांड यहीं से होता है। अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। हाथ चलाना, फीलिंग लेना, बोलना, सीखना, समझना, चलना, हिलना, डुलना, भोजन पचाना, खाना पीना, उठना बैठना, सुनना, सूंघना, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी फीलिंग्स है वो सब आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और आज तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे ऐसा करके 5 से 7 मिनट खूब अच्छे तरीके से मसाज कीजिएगा। मसाज करके थोड़ा टाइम व्यतीत करिएगा और उसके बाद जाकर स्नान करके फ्री हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मसाज करने के पहले जब आप मसाज प्रारंभ कर रहे हो तो सबसे पहला मसाज आपको अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर करना है 2 सेकंड, उसके बाद फिर सर पर करिएगा। बस इतना सा काम करने मात्र से आप देखना आपके अंदर एक अद्भुत चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपके अंदर प्रभाव सीधा वहां जाएगा। ये ऐसी टेलीपैथी है, ये ऐसी सिंपैथी है और ये ऐसी अद्भुत पैथी है जो सीधा आपके जीवन में लव लाइफ, शादीशुदा, मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को पूरी तरह से ठीक करती है। इस उपाय को मन से करना, ये ऐसी टेलीपैथी है। आपको पता है होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, ये पैथी, वो पैथी के साथ एक अद्भुत पैथी चाहिए, इसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी को बढ़ाए रखना, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। बात कर रहा हूं तुम्हारी थिंकिंग की, सोच की, समझ की और तुम्हारे अंदर के गुदगुदाहट की, जहां सिर्फ आनंद और वैभव प्रेम है। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, पानी पीते रहना, खुश रहना, अपने को सुंदर बनाना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, रोने से 21 दिन खराब होते हैं, जरा ध्यान से अपना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।